साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के मैं सुबह आपके बीच में एक वीडियो डाला था, एक आर्डर हमने आपके बीच में प्रेषित किया था, एक पेपर की कटिंग हमने आपको डाल रखी थी। वो पेपर कटिंग कुछ ये था, आपको सुबह याद होगा, जिन साथियों ने वीडियो देखा है तो उन्हें याद होगा ये था। ठीक है, इसका आर्डर जो है वो प्राप्त हो चुका है और आदेश में किस प्रकार से डिसाइड करने के लिए बताया गया उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा जरूर करूंगा, तो जुड़े रहेंगे और देख लेते हैं आर्डर के किस बिहाब पे जो है ऐसे गलत प्रश्नों में डिसाइड करने के लिए जज साहब ने किस प्रकार से आदेशित किया है वो देख लेते हैं। देखिए, इस आदेश में जो है अगर आप देखेंगे एक लंबा चौड़ा आदेश है, लगभग 22 से 23 का है, पेज का है। यहाँ पे आप डेट वगैरह देख लीजिए, ठीक है, ये ठीक है 5 जुलाई 2021। हालांकि इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है हमारे पास, तो अगर हम हिंदी में आपको बताएं तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा और आपको बातें ज़्यादा सटीक समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये है आपका ये अपील नंबर वगैरह, ठीक है, इससे आपका कोई मतलब नहीं। किस बेसिस पे जो है किया गया वो हम आपको बताएं। 4 सप्ताह का समय दिया गया है और पॉइंट क्या रखे गए वो मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ये रखा गया कि जो प्रश्न गलत था उसको डिलीट कर दिया जाए, क्या कर किया जाए उसको डिलीट कर दिया जाए। मैं टोटल जो पॉइंट है वो सीधा हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं कि प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाए जो प्रश्न गलत है। तो ऐसे केसेस में ये समस्या आ जाएगी कि जिन स्टूडेंट ने उस प्रश्न को अटेम्प्ट करके पास किया है उनका क्या होगा, वो तो बाहर निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें ये थी। तो ये भी सवाल रखा गया था, ये भी बात रखी गई थी प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा ना करके जज साहब ने सटीक ये समझा कि क्यों ना नंबर को क्या किया जाए, कॉमन कर दिया जाए ताकि वो नंबर सभी को मिल जाए। आप यहाँ से इस पॉइंट को देखिएगा, एक पॉइंट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ लास्ट वाला। इसलिए मेरा विचार है कि विकल्प 2 द्वारा निर्धारित किया गया प्रभा देवी 59 में डिवीजन बेंच में सबसे उपयुक्त प्रदान करती है। वर्तमान मामले में उत्तर सभी उम्मीदवारों को 1 अंक से सम्मानित किया जाना चाहिए। विवादित प्रश्न के स्थान पर जिन उम्मीदवारों ने विकल्प चिन्हित किया था सी, विवादित प्रश्न के लिए पहले से ही आवश्यक दिया गया है, चिन्ह और उनके अंक में किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक नहीं है, उन्हें देने के लिए अतिरिक्त अनुग्रह चिन्ह वास्तव में उनके लिए 1-2 गुना इनाम होगा। प्रश्न पत्र में गलत जिन उम्मीदवारों का उत्तर विवादित प्रश्न को गलत रूप से चिन्हित किया गया था, हालांकि फिर से होना चाहिए, 1 अतिरिक्त अंक के साथ मूल्यांकन किया गया। ऐसे उम्मीदवार में से जो इस प्रकार के 150 के उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने में तदनुसार माना जाना चाहिए पंजीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए पात्र है। और अगर देखा जाए तो निष्कर्ष निकल करके ये आता है, उपर्युक्त कारणों से रीट याचिका के आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है, उपर्युक्त शर्तें प्रतिवाद को विवादित का इलाज करने के निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है, पैराग्राफ 4, और इनको समय दे दिया जाता है कि आप इसका, आपके पास 4 सप्ताह का समय है, 4 सप्ताह में आप जो है इस चीज़ को जो है डिसाइड करके बता दीजिए। तो इसमें यही ऑप्शंस बनते हैं, या तो प्रश्न को हटा दिया जाता है, लेकिन प्रश्न को हटाने का मतलब है कि जो लोग उस प्रश्न के बिहाब पे पास किए होंगे उनके लिए फिर समस्या हो जाती है, तो ये चीज़ें बनती हैं। तो जहाँ तक संभावना यही रहती है कि कॉमन अंक ही मिलते हैं, अगर सवाल गलत है तो उसके कॉमन अंक करके उसका सभी को नंबर दे दिया जाता है। तो ये है एक आदेश जो आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे और आपके लिए बेहतर भी है। हालांकि इसको जज साहब के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया, माननीय अधिवक्ता साहब के पास इसको फॉरवर्ड कर दिया गया है और वो इस पे बेहतर अध्ययन कर लेंगे और इसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि ये हमारे कितने काम का है। वैसे पे इसको पढ़ने के बाद जो है ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि ये अपने काम का ऑर्डर है। तो हमने इस पे सुबह चर्चा किया था, हमने आपको बताया था कि आदेश निकालने के बाद जो है आपसे चर्चा जरूर करूंगा, तो इस कड़ी में मैंने ये आप सबके बीच में रख दिया। और अगर आप सभी इसको देखना भी चाहते हैं तो इसकी रीट संख्या ये है ऊपर, यहाँ से आप स्क्रीन शॉट मार करके इसको जो है आप क्या करिएगा डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स को जो है ऐसे वायरल नहीं किया जा सकता या ग्रुपों में शेयर नहीं कर सकते, हमने वीडियो बना दिया, ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को समझ सके, बाकी जो है आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मिलूंगा मैं फिर से कुछ इस प्रकार के आदेश और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।